हेलो एवरीवन, माय नेम इज शीतल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होमवर्क कॉर्नर। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम करेंगे नाउन पार्ट टू। पार्ट वन में हमने पढ़ा था नाउन की डेफिनेशन, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। बाकी मैंने बोला था रेस्ट ऑफ द टाइप ऑफ जो नाउन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा काउंटेबल नाउन। सो काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन यानी कि जिससे, काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसे गिना जा सके। काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके, और नाउन मतलब वो नाउन जिनको गिना जा सके। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द नेमिंग वर्ड, या नेमिंग वर्ड को नाउन भी कहते हैं तो आप नाउन भी बोल सकते हो। द नाउन दैट वी काउंट, जिन्हें हम काउंट कर सके वो कहलाएंगे काउंटेबल नेमिंग वर्ड्स। जैसे वन पोट, टेन मैन, सिक्स फ्लावर, ठीक है। एंड हम लिख सकते हैं टू इरेजर, टू पेंसिल्स, थ्री पेंसिल्स भी हो सकती है। तो ये वो चीजें हैं जो काउंट की जा सकती है, काउंटेबल, इन्हें हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिन्हें गिना ना जा सके। द नेमिंग वर्ड या द नाउन वी कांट या वी कैन नॉट काउंट, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नेमिंग वर्ड या अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, जिन्हें हम गिन ना सके। फॉर एग्जाम्पल वोटर। अब वोटर है आपके पास, आपको दिखाई दे रहा है सामने पानी है, मैं बोलूं उसको गिनो, तो आप कैसे गिनोगे? एक पानी, दो पानी, तीन पानी? नहीं। सो पानी अनकाउंटेबल है, पानी को गिना जा सकता है, उसको मापा जा सकता है थ्रू द कंटेनर, थ्रू द ग्लास, कि एक ग्लास में डाल दिया, एक ग्लास वाटर, दो ग्लास वाटर, एक कंटेनर, लेकिन उसको वैसे नंबर में हम काउंट नहीं कर सकते कि एक नंबर पानी, दो नंबर पानी, नहीं। ऐसे ही सॉल्ट, शुगर, मिल्क, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी एक्सरसाइज, जिससे आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा एंड डिफरेंस भी आप पता कर पाएंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। सो राइट सी इफ इट इज काउंटेबल, सी लिखना है अगर वो काउंटेबल है नाउन, एंड यू सी इफ इट इज अनकाउंटेबल, अगर वो अनकाउंटेबल है यानी कि जिसको गिना ना जा सके। सो ब्रेड, ब्रेड इज अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल, बताइए। सो बताइए क्या होगा? ब्रेड, ब्रेड है अनकाउंटेबल नाउन। अब आप बोलोगे मैम ये तो गिना जा सकता है, एक ब्रेड, दो ब्रेड, तो गिना नहीं जा सकता एक्चुअली। अगर लोफ ऑफ ब्रेड होगा या वन स्लाइस ऑफ ब्रेड होगा तब हम उसे काउंट कर सकते हैं। अगर सिंगल ब्रेड है तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। अगर लिखा होता अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, टू स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो हम कहते कि ये काउंटेबल है, या फिर लोफ ऑफ ब्रेड, लेकिन अगर सिर्फ ब्रेड लिखा है तो अनकाउंटेबल नाउन है। फुटबॉल काउंटेबल है, चेयर काउंटेबल है, सेल्ट अनकाउंटेबल है, ऑयल अनकाउंटेबल है, वॉटर अनकाउंटेबल है, पेंसिल इज अ काउंटेबल नाउन, सो सी लिखेंगे, जूस अनकाउंटेबल है, सैंड अनकाउंटेबल है, शॉर्ट काउंटेबल है, बैग्स काउंटेबल है, चिल्ड्रन काउंटेबल नाउन है। आइए अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समथिंग दैट यू कांट परसीव विद योर फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस मतलब आपके आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, हमारे फाइव सेंस ऑर्गन, जिससे हम किसी चीज को इमेजिन या जिससे हमें किसी चीज का बोध ना हो। परसीव का मतलब होता है किसी चीज का ज्ञान होना, इंद्रियों के द्वारा, हमारे जो फाइव सेंसेस है उनके द्वारा किसी चीज का बोध होना, उनका ज्ञान होना। तो वो चीज जिनको हम अपने फाइव सेंस ऑर्गन्स द्वारा या अपने फाइव सेंसेस के द्वारा भी उनको बोध ना कर पाए, उनको जान ना पाए, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो वर्ड होते हैं जिनको यूज करते हैं एक्शन के लिए, स्टेट अवस्था के लिए, क्वालिटी यानी के गुण के लिए, गुण अवस्था के लिए। अब देखिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन मैं आपको करती हूं। इसमें लिखा है ना दैट यू कांट परसीव विद योर फाइव सेंसेस, जैसे पुअर्टी। अब गरीबी, अगर मैं आपको बोलूं कि गरीबी को महसूस करो, तो गरीबी महसूस करने की चीज थोड़ी ना है, ना वो दिखेगी, है ना, उसको हम टच भी नहीं कर सकते। तो ये पुअर्टी जो शब्द हो गया वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट्स अ फील, इसको हम फील कर सकते हैं, अवस्था होती है। पुअर्टी क्या होता है? इस अ स्टेट होती है। गरीबी क्या होती है? एक अवस्था होती है, ठीक है। पुअर्टी क्या होती है? गरीबी एक अवस्था होती है, तो ये स्टेट है। ब्यूटी ये गुण है, ठीक है। अब जो गुण है, ब्यूटी किसी चीज की, उसको आप फील कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? उसको फील कर सकते हो, अपने फाइव सेंसेस से उसको देख नहीं सकते, है ना, अपने। और अब आप बोलोगे मैम फील करने का, यानी कि आप अपने मन से,
हम अपनी स्किन से उसको ब्यूटी को फील कर सकते हैं अपनी स्किन से? नहीं, अपने मन से जिस चीज को हम देख पा रहे हैं ब्यूटी वो। फिर इसमें हो सकता है हैप्पीनेस आपका आ सकता है। अब देखिए हैप्पीनेस खुशी वो तो दिल से हम ठीक है फील करेंगे, सैडनेस। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम अपनी फाइव सेंसेस से ना बोध करा सके, जिनका ना पता हो हमें, ठीक है। और यहाँ पे एक्शन स्टेट और क्वालिटी का मतलब है गुण दोष अवस्था, ठीक है। जैसे बुढ़ापा है तो वो एक अवस्था है, ठीक है। बचपन एक क्या है, अवस्था है, स्टेज ऑफ एज, एक एज की स्टेज है बुढ़ापा। सो वो भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब है मैटेरियल नाउन। अ मैटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज फॉर सब्सटेंट ऑफ विच थिंग आर मेड। अच्छा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, उसके मैंने पीछे एग्जाम्पल भी लिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सो मैटेरियल नाउन क्या है, अ मैटेरियल नाउन इज अ वर्ड, मैटेरियल नाउन एक वर्ड है यूज फॉर द सब्सटेंट, जिसको हम कौन से सब्सटेंट यानी के वस्तु या पदार्थ, सब्सटेंट का मतलब पदार्थ, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सके, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंट, एक ऐसा पदार्थ जिससे बाकी और चीजें भी बनती हो, उसे हम मैटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे कॉपर, अब कॉपर के बर्तन बनते हैं, कॉपर की वायर बनती है, गोल्ड सी इयररिंग्स बनते हैं, गोल्ड चेन बनती है, तो मतलब एक ऐसा सब्सटेंट जिससे और भी पदार्थ बने वो होगा मैटेरियल नाउन, ठीक है। और इसमें हम जो लिख सकते हैं आयरन, ठीक है, सिल्वर। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनसे, ओके, ये तो देखो हमने सारी किसकी बात की, कॉपर गोल्ड आयरन सिल्वर वाटर, वाटर से भी तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, है ना, बनती है ना वाटर से भी। मिल्क, मिल्क इज ऑल्सो अ मेटीरियल नाउन, बिकॉज मिल्क से आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ऐसा सब्सटेंस जिससे आप दूसरी चीजें भी बनती हो, सिर्फ वो सब्सटेंट ही ना, जिससे आप दूसरे काफी सारे पदार्थ बना सकते हैं, सब्सटेंस बना सकते हैं, थिंग्स बना सकते हैं, वो सारे मेटीरियल नाउन है, ठीक है। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट इजीली क्लियर हो सके। एक्सरसाइज, अंडरलाइन द मटेरियल नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई ड्रिंक मिल्क डेली इन द नाइट। आई ड्रिंक, अब देखो ड्रिंक क्या है, वर्ब है पीना, मिल्क क्या है, नाउन है, और ये कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है। वॉटर बॉयल ओनली एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो वॉटर क्या है, मटेरियल नाउन है। आई ईट एग, एग क्या है, नाउन है, और कैसा नाउन है, मटेरियल, बिकॉज एग से हम ऑमलेट, काफी एग करी, काफी चीजें बना सकते हैं, तो एग क्या है, और केक, सो एग इज अ मटेरियल नाउन। कोल इज फाउंड इन कोल माइन, सो कोल क्या है, ये मटेरियल नाउन है। अब देखिए कोल माइन क्या है, ये भी तो नाउन है, लेकिन हम मटेरियल नाउन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कोल आएगा, कोयला, कोल का मतलब क्या होता है, कोयला। रेन इज द, सॉरी, रेन इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ वॉटर, सो यहाँ पे रेन जो है मेटीरियल नाउन है, वॉटर भी मेटीरियल नाउन है, रेन, बारिश। आई लाइक चीज पिज्जा वेरी मच, सो यहाँ पे चीज जो है पनीर, उससे हम काफी सारी चीजें बनाते हैं, सो ऑफकोर्स चीज इज ऑल्सो अ मेटीरियल नाउन, ठीक है। नाउ अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंडिया गोट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947, सो यहाँ पे जो फ्रीडम है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि आजादी, इट्स आजादी को हम दिल से फील कर सकते हैं, वी कांट टच इट, वी कांट सी इट, वी कांट स्मेल इट, वी कांट टेस्ट इट, ठीक है, सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वीकेंड्स यानी कि हमारा जो संडे सैटरडे होता है, आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय फॉर चिल्ड्रन, सॉरी जॉय, सो जो जॉय है, इट्स अ मतलब हैप्पीनेस, जॉय का हम क्या कह सकते हैं, जॉय का अगर हमारा सिनोनिम देखें तो हैप्पीनेस, सो इट्स ऑल्सो अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रीनरी इज द एनवायरमेंट इज नेचुरल ब्यूटी, सॉरी, ग्रीनरी इन द एनवायरमेंट इज अ नेचुरल ब्यूटी, जो ग्रीनरी होती है एनवायरमेंट में वो नेचुरल ब्यूटी होती है, सो ग्रीनरी, और सॉरी यहाँ पे जो ब्यूटी है वो क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंड लास्ट है ये, इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है, हैप्पीनेस कम्स टू आवर हार्ट एंड सोल, जो खुशी है वो हमारे दिल से और आत्मा से आती है, तो हैप्पीनेस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। हैप्पीनेस क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो आज की वीडियो में सिर्फ नहीं, होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेशन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।